फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल शेयर के बारे। इसका पूरा नाम है ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड। आज हम लोग इस शेयर का चार्ट रीडिंग करके जानेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस 3 आवर के चार्ट से लेकर मंथली चार्ट तक। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड, हम लोग टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों देखेंगे। और एक बात कि मैं बाय और सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ, बस अपनी एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने माइंड को डेवलप करवाने के लिए ये सब कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट होगा ₹75.70 का। इसका सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा ₹82 का। और इसका थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा ₹89 का। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा ₹72.30 का। इसका सेकंड स्टॉप लॉस होगा ₹67.95 का। और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा ₹59.15 का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करेंगे डे कैंडल पे। डे कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा ₹76.60 का। सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा ₹88.70 का। और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा ₹100 का। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस के। इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा ₹68.70 का। सेकंड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ₹57.80 का। और थर्ड जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा ₹45.70 का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करेंगे वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा ₹77.80 का। सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा ₹91.10 का। और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा ₹118 का। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा ₹65 का। इसका सेकंड स्टॉप लॉस होगा ₹56.65 का। और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा ₹43.35 का, ठीक है फ्रेंड। वीकली और मंथली कैंडल का टारगेट और स्टॉप लॉस सेम है फ्रेंड। तो हम लोग अब टेक्निकल इंडिकेटर सेट करके देखेंगे कि क्या कहां तक गया है और कहां जाने का संभावना है, हम लोग इसकी एनालाइज करेंगे। और ऐसा ही मैं RSI और MACD को लेता हूँ, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं जो जो आपको समझ आता हो। तो देखिए मंथली कैंडल पे 2 वीक से ये रेगुलर बुलिश चल रहा है, तो MACD नीचे बुलिश बना हुआ है। और RSI आपका 65 पे है। अब हम लोग बात करते हैं वीकली कैंडल पे। तो वीकली कैंडल पे देख सकते हैं कि एक जब यहाँ पे डाउन रेड कैंडल जब बना था तो RSI ने यहाँ डाउन दिखाया, और अब ये जब ग्रीन कैंडल बना रहा है तो RSI यहाँ पे अप की ओर मूव किया हुआ है। और अभी RSI 72 पे है। MACD पे बुलिश पैटर्न बन रहा है रेगुलरली, एक भी बेयरिश नहीं दिखा है। अब हम लोग बात करते हैं डे कैंडल पे। तो डे कैंडल पे बेयरिश पैटर्न बहुत सारी बनी हुई थी, और एक मतलब पिछले ट्रेडिंग डे में जो ट्रेडिंग हुआ है उसमें एक ग्रीन दिख रही है MACD में। RSI भी अप की ओर मूवमेंट करता हुआ अभी 65 पे है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका फंडामेंटल्स। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है फ्रेंड्स मेरा। तो देखिए एक मंथ में 68% का पॉजिटिव रिटर्न है, और एक ईयर में 31.95% का पॉजिटिव रिटर्न है। और बाउंड वीक हाई की बात करें 77.95 इसका बाउंड वीक का हाई है, और लो की बात करें 35.5 मतलब ₹35.50 का बाउंड वीक का लो बनाया है। मार्केट कैप की बात करें 67 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और शेयर होल्डर्स की बात करें 2.2 के इसका शेयर होल्डर्स है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूज़ की। तो इसमें कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे दिन भर के ट्रेडिंग्स की। तो प्रीवियस क्लोजिंग 66.3 है मतलब ₹66.30, ओपनिंग ₹65.50, हाई लगाया है ₹72.90 का, लो बनाया है ₹64.50 का।
एक दिन में इसने लगभग 10% के आसपास का प्रॉफिट दिया है और क्लोजिंग किया है इसने अपने हाई पे। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ फ्रेंड वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।